मछलियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। तो वहाँ पे देख रहे हैं आप सब लोग मार ले रहे हैं इस तालाब में। वाह, सच में इस तालाब में आने के बाद अलग टाइप की फीलिंग होती है, लगता है कि हाँ हम कहीं आए हुए हैं। वाह, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए मैंने इतना सारा केरुआ खोटा है, इतना सारा, और आज मैं बनाऊंगा इसका साग जो कि मेरा फेवरेट है। जाने पे हम लोग जाएंगे भी, ये आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो इसका साग काफी टेस्टी होता है, खासकर इस तालाब का, इस तालाब का साग काफी टेस्टी होता है। भी कुछ अलग होता है, फील होता है कि हाँ हम किसान हैं। सबसे नीचे बाटे सैया किसानी, तुझसे बाड़े रउआ घर है मैं बानी, हमारा कमैला के ओ आई करूँगा खैला के। वाओ, पक्षियों के चहचहाहट की आवाज जो कि गूंज रही है, जल 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 फे तेरी कमरियों के दिल मचले। ये मैंने इतना सारा केरमुआ को देसी वाला को खोट करके रखा हुआ है, और ये को खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है, सच में मजा आ जाता है। और इसके साथ में दही मिल जाए, दही और चावल और ये साग, सच में यार मजा आ जाता है। और वो भी चावल इसका नहीं, चावल जो को तालाब वाला होता है, जैसे आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है तीनी के चावल, इसी में से एक चावल निकलता है, और ये खाने में काफी टेस्टी होता है। ये चावल का को पेड़ है, काफी अच्छा होता है ये, सच में हल्का हल्का रेड टाइप का होता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। ये तालाब से ही तोड़ के लेकर जाते हैं लोग, काट करके इसी को। और ये है, इसी के बीच में ये केरमुआ भी है जो कि मैंने तोड़ लिया है, इतना सारा है। और इस टाइम प्लास्टिक बैन हो चुका है, तो हम लोगों को प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, और इसके लिए हम लोग इस
पत्ते को तोड़ेंगे। ये पत्ता, और इसको ढक करके हम लोग घर पे लेकर चलेंगे और बनाएंगे, और उसको हम को शेयर करेंगे आप लोगों को कि सच में तालाब का गिरमुआ का साग कैसा होता है। मज़ा आ जाता है भाई लोग।